परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि इसराइलियों को फिरौन की बंधन से, फिरौन की गुलामी से आज़ाद कर सके। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और इसराइलियों को छोड़ने के विषय में कहा, लेकिन फिरौन ने इसराइलियों को गुलामी से आज़ाद न किया और कहा, कौन है परमेश्वर मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियाँ लाईं। लेकिन परमेश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर परमेश्वर चाहते तो एक ही बार में पूरे मिस्र को नष्ट कर सकते थे और इसराइलियों को बचा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ क्यों लाई? नदी का लाल होना, मेंढकों का आक्रमण, पशुओं का मरना, आखिर ये क्यों हुआ? इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। मिस्र लोग कुछ देवी देवताओं को मानते थे और परमेश्वर ने इन सभी विपत्तियों को लाया ताकि उन देवी देवताओं के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। सच्चा ईश्वर यहोवा ही है ये मिस्री भी जान ले। इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों के देवी देवताओं का खंडन किया। नील नदी का लहू में बदल जाना। मिस्री लोग नील नदी के देवता हैपीस को मानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदल दिया, ये हैपीस देवता को चुनौती थी कि हैपीस देवता कोई देवता नहीं है, परमेश्वर ही सच्चा खुदा है। दूसरी विपत्ति, मेंढकों का आक्रमण। मिस्री लोग हेकेत नाम देवी को मानते थे जिसका सर मेंढक के समान है, जो चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी का प्रतीक है। इस विपत्ति से इस देवी का न्याय हुआ और यहोवा सामर्थी ठहरा। तीसरी विपत्ति, कुटकियाँ। सारी धूल कुटकियों में बदल गई और मनुष्य और जानवरों को घेर लिया। तथा इस विपत्ति से दिगेब देवता का न्याय हुआ और यहोवा सामर्थी ठहरा। मिस्र के जादूगरों ने भी फिरौन से कहा कि इसमें निश्चय परमेश्वर का हाथ है। चौथी विपत्ति, डांसों का आक्रमण यानी मक्खियाँ, जो कि फ्लाई वॉर्ड उत्सित को दर्शाता है। तब परमेश्वर ने इसराइली और मिस्रियों में ऐसा अंतर किया। चौथी विपत्ति से परमेश्वर ने अंतर कर दिया कि केवल मिस्रियों पर ही सारी विपत्तियाँ आई, ताकि मिस्री जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। पांचवी विपत्ति, पशुओं की मृत्यु, जो कि देवी हैथोर और देवता एपिस के लिए न्याय था, जिनको गाय और बैल के रूप में दिखाया जाता। छठी विपत्ति, फोड़े का हो जाना। मिस्री लोग सेकमे देवता को मानते थे जो कि हेल्थ का देवता था, और इस देवता पर भी यहोवा की जय हुई। स्वास्थ्य और बीमारी के देवता सुनु और इसीस भी थे। सातवीं विपत्ति, आकाश से ओले गिरे, जो कि नट देवता और ओसरिस के लिए न्याय था। वह इन देवी देवताओं का वातावरण में कंट्रोल था और ओले गिरे, लेकिन केवल मिस्रियों पर, इसराइलियों को कुछ भी ना हुआ। आठवां विपत्ति, टिड्डियों का आक्रमण। ओसरिस और सेठ को चुनौती था, जो कि क्रॉप्स के देवता थे। इन नौवीं विपत्ति, अंधकार थे, जो सूर्य के देवता रा के लिए एक चुनौती थी। अंत में दसवीं और सबसे विनाशकारी विपत्ति, जिसमें पहलौठे पुत्र की मृत्यु हुई, कि सुरक्षा के देवता होरेस के लिए एक चुनौती थी और परमेश्वर इन सभी पर सामर्थ्य प्रकट हुआ। इन विपत्तियों से परमेश्वर ने दर्शाया कि यहोवा ही परमेश्वर है और मिस्र के सारे सभी देवी देवताओं का खंडन किया।